खबर हनुमानगढ़ के नोहर से है, जहां अनाज मंडी में कृषि जिंसों के समर्थन मूल्य पर खरीद का विधिवत शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर एसडीएम पंकज गढ़वाल, कृषि उपज मंडी समिति सचिव पंडित विष्णु दत्त शर्मा, क्रय विक्रय सहकारी समिति के अध्यक्ष धर्मपाल डील, हनुमानगढ़ केंद्रीय सहकारी बैंक के चेयरमैन राजेंद्र न्योत सहित मंडी के व्यापारी व गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। पहले दिन चना व सरसों की समर्थन मूल्य पर खरीद का शुभारंभ किया गया। भूमि विकास बैंक के डायरेक्टर राजेंद्र न्योल ने बताया कि समर्थन मूल्य पर शुरू की गई सरसों का समर्थन मूल्य 5,660 व चना का समर्थन मूल्य 5,440 रुपये निर्धारित किया गया है। उन्होंने किसानों से समर्थन मूल्य पर अपनी फसल बेचकर लाभ उठाने की अपील की है। सरकारी खरीद के रेट पर नोर क्रय विक्रय सहकारी समिति द्वारा शुरुआत की गई है। जो भी सरकार का रेट है किसानों के लिए, सरसों के लिए 5,650 रुपए चीना 5,440 रुपए में क्रय शुरू कर दी गई है किसानों की। और दूसरी आज क्रय विक्रय की दुकानें हैं उनकी बोली पर लगाकर और दुकानें छोड़े जा रही है। उसमें एक दुकान की बोली 2,93,000 तीन एक ही लग चुकी है, उस दुकान की बोली को उसको एक को छोड़ दिया गया है। खरीद फाइनल है 3 महीने तक।